अब माँ हमारे बीच नहीं है। ये छठ सुना हो गया, पर माँ ने अपना उपहार दिया है उसको, उसका प्यार समझ के अपना ये उसका प्यार समझ के आत्मसात कीजिए। आप सबकी प्यारी सी शारदा सिन्हा अपनी। आप सबका प्यार और आप सबकी प्रार्थना इन सब ने माँ को तसल्ली से जाने में ज़रूर मदद की होगी, क्योंकि प्रार्थना अच्छे के लिए किया जाता है। शायद उनके लिए यही अच्छा था, तो बहुत दर्द और पीड़ा में भी थी। तो बहरहाल ये है, जितना ज़्यादा उनको कष्ट हो सकता था उतना ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ, और वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रभु के पास, छठी मैया के पास विलीन हो गई। आप सब ने जो उन्हें प्यार दिया है, जो आप सबों ने उन्हें सम्मान दिया, वो अनकॉन्शियस स्टेट में भले रहें, पर उनको ज़रूर इसका आभास हो रहा था। और जब तक वो सेंसेस में थी तब तक उन्होंने सब देखा जाना, और वो खुद ही ऐसे आश्चर्य करती थी कि अच्छा ऐसा हो रहा है। जैसे उन्हें बिल्कुल लगता था कि अरे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। पर सच में हर एक के दिल में बसना, ये जो माँ ने किया है, सोचने से बहुत बड़ा है। हर किसी का अपना हो जाना, हर किसी के लिए एक ऐसे रिश्ते में ढल जाना कि वो आपको अपना मानता है, कितना बड़ा गुण उनके अंदर था। उनसे जो भी हम सीख सके वो सब अच्छा था। और मैं उनका सुपुत्र होने के नाते बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने प्रार्थना से, प्यार से, सहयोग से हम पूरे परिवार का साथ दिया है। आप लोगों ने, हम सब पूरे परिवार आपके सदा आभारी रहेंगे। और आगे जो हम लोगों की जो भी यात्रा होगी उसमें मैं अपनी कोशिशें करते रहूँगा उनकी स्मृतियाँ ताज़ा करने की, कुछ नए पहलू सामने लाने की। और बस फिर मिलते रहेंगे। माँ को आप सब दिल से दुआ दें और प्रभु में वो विलीन हो जाएं। माँ अब हमारे बीच नहीं है। फिर मिलता हूँ। सनातपुर साधा आए थे, वही तो थूकने को थे आए हैं प्रोटोकॉल वाले। इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, नहीं वो क्या है ना कि इसको क्रॉस करेंगे तो स्ट्रीमिंग स्टॉप होगा ना। स्ट्रीमिंग स्टॉप नहीं हुई है अभी। अच्छा।